Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. कहा जाता है कि एक जंगल में टोटू तोता और लूसी कबूतरी रहते थे। लूसी को हमेशा शर्तें लगाने की आदत थी। उसकी इसी आदत की वजह से उसकी जाति के सारे कबूतर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो हर बार शर्त लगाकर हार जाया करती थी। एक बार जंगल में बारिश हो रही थी, हर जगह जल थल एक हो चुका था और इसी वजह से जंगल में अनाज की कमी हो गई थी। बारिश की वजह से पक्षियों के लिए अनाज ढूंढने में मसला हो रहा था। टोटू तोता और कबूतरी दोस्त थे। उस दिन कबूतरी उसके पास आई। अरे अरे, ये क्या, तुम्हें बारिश में भी आराम नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों भाई, मैं तो अपने दोस्त को देखने के लिए आई थी। वो आजकल जंगल में अनाज की कमी हो रही है ना, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देखा हूँ, कहीं तुम भूखे ही न मर जाओ। अच्छा, अगर ये बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ। घर में कुछ अमरूद रखे थे, बस वही खाकर गुजारा हो गया मेरा। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं घर पे बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि कोई शुगल मेला लगा लेते हैं। अच्छा, वो कैसे? एक शर्त लगाते हैं, इस बारिश में देखते हैं कौन ज्यादा ऊंचा उड़कर बरगद के पेड़ के पास जाता है, और जो कम समय में वापस आया वही विजेता होगा। लूसी की बात सुनकर टोटू तोता हंसने लगता है। अरे बेवकूफ, हर बार तुम मुझसे शर्त लगाकर हार जाती हो, तो बताओ शर्त लगाती ही क्यों हो? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं तो जल्दी से करके आ जाऊंगा। लेकिन ये बताओ कि जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले के लिए 5 मिर्चें और 5 दानों की बोरियां हैं। इनाम के बारे में सुन के तोते को ज्यादा शौक हो जाता है रेस लगाने का। बारिश में भी लगातार हो रही थी और वो दोनों बारिश में ही एंजॉय कर रहे थे। शर्त के मुताबिक उन दोनों ने रेस लगानी शुरू की। तोते के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था, उसने तो फौरन से ये रेस जीत ली। लूसी कबूतरी और तोते ने इकट्ठे उड़ना शुरू किया था। थोड़ा सा उड़ने के बाद ही लूसी का सांस चढ़ने लगा और उसके उड़ने की रफ्तार कम हो गई। टोटू तोता भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने अचानक से लूसी को क्रॉस किया और फौरन से बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। तोता वहां पहुंचकर लूसी के पहुंचने का भी इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद लूसी भी वहां तोते के पास पहुंच गई थी। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम हर बार की तरह ये शर्त भी हार जाओगी, परंतु तुम्हें ही शौक है हारने का, मैं तो बड़ी आसानी से जीत गया। चलो निकालो मेरा इनाम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, चलो आओ तुम्हारा इनाम तुम्हें देती हूँ। इनाम मिलने की वजह से तोते के पास अब इतना अनाज हो गया था कि उसके बारिशों के दिन आराम से गुजर सकते थे। असल में तो लूसी कबूतरी को सभी बेवकूफ समझते थे, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा दयालु थी। जंगल के जिस भी पक्षी के घर में अनाज नहीं होता था तो लूसी उसकी मदद करने के लिए इसी तरह शर्त लगा लिया करती, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसको महसूस भी ना हो। उसी जंगल में हर साल किसी एक जानवर को अवार्ड देने का रिवाज था। अवार्ड उसको सबसे दयालु और प्यारा होने की बेस पर मिलता था। वो अवार्ड देने की जिम्मेदारी सुरीली चीनू चिड़िया की थी। चीनू चिड़िया जंगल की सबसे सुरीली पक्षी थी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर सभी पक्षी महसूस होते।
लूसी कबूतरी की सारी शर्तें चीनू चिड़िया को भी पता चल जाती। एक दिन चीनू चिड़िया पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, रुके ना अपना कारवां, बड़े चलो बड़े चलो। तोता अपना साथी है, दोस्त मेरा हाथी है, सभी दोस्त चले चलो, बड़े चलो बड़े चलो। चीनू की गाने की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके पास आए। वाह वाह चीनू जी, बहुत सुंदर गाना गाती हैं आप, आपकी मधुर आवाज सुनकर तो सुबह सुबह फ्रेशनेस आ जाती है, सच में बहुत अच्छा गाती हैं आप। जी बहुत शुक्रिया तोते भाई आपका। अरे चीनू जी, मैंने आपसे पूछना था, क्या इस साल भी अवार्ड की तकरीब हो रही है? मेरा मतलब है इस बार हम लेट नहीं हो गए? हाँ लूसी बहन, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस साल भी अवार्ड की तकरीब आ रही है। और जैसा कि तुम जानती हो कि शेर बादशाह जब तक जंगल में मौजूद ना हो, हम ऐसी कोई तकरीब नहीं कर सकते। शेर बादशाह अगले हफ्ते दूसरे जंगल से वापस आ जाएंगे, उनके आने पर ही हम इस तकरीब का आगाज करेंगे। शेर बादशाह दूसरे जंगल अपने भाई से मिलने गए थे। हर बार की तरह इस बार भी पूरे साल की रिपोर्ट उनको जमा करवाने पर ही पक्षियों को इनाम दिया जाना था। हर कोई अवार्ड की तकरीब के लिए तैयारी कर रहा था, हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस बार अवार्ड किसे मिलने जा रहा है। लूसी कबूतरी को बिल्कुल भी लालच नहीं था, वो हर दूसरे दिन किसी ना किसी से शर्त लगा लेती। गोल्डी शेर एक अनाथ बच्चा था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उस दिन उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अरे मैं तो कल से भूखा हूँ, मैं क्या खाऊँ? मैं जहाँ भी खाने की तलाश में जाता हूँ, मुझे वहाँ से भगा दिया जाता है। क्या अनाथ होना कोई जुर्म है क्या? काश मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो आज मैं दर बदर की ठोकरें ना खा रहा होता। गोल्डी बेचारा निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा ये सारी बातें खुद से ही कर रहा था। गोल्डी नहीं जानता था कि लूसी कबूतरी ऊपर बैठी सारी बातें सुन रही है। लूसी ने जब ये सुना तो उसको गोल्डी पर रहम आने लगा और वो ये सोचने लगी कि आखिर वो किस तरह गोल्डी की मदद कर सकती है। फिर अचानक उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो उड़ती हुई सीधी गोल्डी के पास आ बैठी। अरे गोल्डी, मैंने सुना है तुम्हारी दौड़ बड़ी तेज है, चलो साबित करो कि वाकई तुम मुझसे भी ज्यादा तेज भाग सकते हो। जरा मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, हलवे की प्लेट दूंगी। हलवे का नाम सुनकर गोल्डी के मुंह में पानी आ गया, वो बेचारा तो पहले ही दो दिन का भूखा था। लूसी कबूतरी आगे आगे भागने लगी, गोल्डी भी उसके पीछे भागा। थोड़ी सी मेहनत करने पर ही गोल्डी ने उसको झपट कर पकड़ लिया। ये लूसी दीदी, मैंने तो तुम्हें पकड़ भी लिया, चलो अब जल्दी से मेरा हलवा निकालो। ओहो, मैं हर बार की तरह इस बार भी हार गई। अच्छा भाई सबर करो, लाती हूँ तुम्हारा हलवा। ऐसा कहकर लूसी हलवे की प्लेट लेने चली जाती है। उसी समय शेर बादशाह भी दूसरे जंगल से वापिस आ रहे थे। वापसी पर उन्होंने गोल्डी को देखा जो वहाँ हलवे की प्लेट का इंतजार कर रहा था। अरे गोल्डी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोल्डी ने शेर बादशाह को सारा मामला बता दिया। शेर बादशाह तो सुनते ही समझ गए थे कि भला लूसी कबूतरी का गोल्डी से क्या मुकाबला। उन्होंने बातों बातों में गोल्डी से भी पूछ लिया था कि आखिर उसे लूसी से हलवा लेने की नौबत क्यों आई। शेर बादशाह अंदर ही अंदर लूसी कबूतरी की तारीफ कर रहे थे। अरे इस जंगल का बादशाह तो मैं था, इस बात की फिक्र तो मुझे होनी चाहिए थी कि मेरे जंगल के किसी जानवर ने खाया खाया है या नहीं।
लेकिन लूसी कबूतरी ने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा सोचते हुए शेर बादशाह वापिस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। वहाँ गोल्डी ने भी पेट भरकर हलवा खाया। और फिर अगले दिन वो दिन आ गया जिस दिन अवार्ड दिए जाने थे। चीनू चिड़िया ने पूरे साल की रिपोर्ट बनाकर शेर बादशाह को दी। उस दिन सभी पक्षी और जानवर जंगल में जमा हुए थे। चीनू चिड़िया अवार्ड देने की तकरीब होस्ट कर रही थी। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे यहाँ रिवाज है कि हर साल हम एक ऐसी तकरीब मुनक्कद करते हैं जिसमें जानवरों का पूरे साल का डाटा होता है और हमें ये पता चलता है कि कौन सा पक्षी या जानवर पूरे साल में अच्छे से रहा। मैंने शेर बादशाह को सारी रिपोर्ट जमा करवा दी थी जिसके नतीजे में इस साल का अवार्ड दिया जाता है। चीनू ने जब ये बात की तो थोड़ी देर के लिए रुकी और सारे पक्षियों की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि उसका ही नाम आएगा। इस साल का अवार्ड दिया जाता है लूसी कबूतरी को। जब लूसी का नाम लिया गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी नहीं ये सोच रहा था कि इस साल का अवार्ड लूसी को मिल जाएगा। ए चीनू चिड़िया, वो क्यों भला? इसे नाम की हकदार लूसी कैसे हुई? हमने तो इसे कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा जिसकी वजह से पूरे साल का अवार्ड ही उसको दे दिया जाए। अरे हाथी भैया, तुमने नहीं देखा ना, लेकिन हमने देखा है। लूसी ही ऐसा पक्षी है जिसने सारे साल में हम सब की मदद की। लूसी सबकी मदद करने के लिए खुद हार जाया करती थी और उसकी शर्त हार जाने की वजह से उसकी जाति के सारे कबूतर भी उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन लूसी ने किसी की परवाह नहीं की और वो सबकी मदद करती रही। फिर लूसी को स्टेज पर बुलाया गया और उसको अवार्ड से नवाजा गया। लूसी भी ये सब देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि उसने ये सब किसी लालच की वजह से नहीं किया था। अवार्ड लेने के बाद उसको अपने शब्द कहने के लिए कहा गया। प्यारे साथियों, मैंने ये सब किसी अवार्ड के लिए नहीं किया, बल्कि मुझसे तो देखा ही नहीं जाता कि कोई भी मुश्किल में हो। प्यारे दोस्तों, आप सबको भी इसी तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि इस जंगल में कोई भी भूखा न रहे। लूसी की बातें सुनने पर पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। लूसी भी अवार्ड पाकर बहुत खुश थी। देखा प्यारे दोस्तों, हमें भी दूसरों की मदद इसी तरह करनी चाहिए ताकि किसी की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उसकी मदद भी हो जाए।